दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मैं एडमिंटन में हूँ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नाम बताएं पूरा अपना और कहाँ से जुड़े हैं पहले बताएं। जीशान अहमद नाम है मेरा। फिलहाल अभी लखनऊ में हूँ और लखनऊ से लखनऊ बात हो में रही है। लखनऊ जी के सर, तो लखनऊ में कई बार आ गए हैं और लखनऊ से मेरे को काफी प्यार भी है। लखनऊ में कहाँ रहते हैं हुसैनगंज में। आप? हुसैनगंज हुसैनगंज? ये नहीं पता मेरे को। काम में तो जी तीन चार अभी जो जगह है मेरे को पता है वो बता देता हूँ आपको। आवाज आ रही मेरी? पूरी आवाज आ रही? जी 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 प्रॉपर अमीनाबाद, हजरतगंज, चारबाग, अमीनाबाद। आलमबाग। अमीनाबाद भी कह सकते हैं, जस्ट नियर टू हुसैनगंज। मेरे जस्ट मामा नियर। जी की शॉप भी वहां पर, चिकन की, चिकन अच्छा, चिकन की, एम्ब्रॉयडरी। चिकन की जो एक अमीनाबाद में पहले होता था प्रकाश की कुल्फी, अब आजकल है अभी भी है, अभी भी है, बहुत है। ऊपर। हमें याद है कि ऊपर जाते थे जहां पर किताबों की दुकान है, ऊपर जाके चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कहीं उन्होंने खुले बैठ के वो फलूदे वाली कुल्फी खाते थे। आजकल भी खाते हैं लोग? खाते हैं, अभी खाते हैं। बीच में लॉकडाउन से मैंने खाई नहीं, तरस रहा हूँ खाने को। अच्छा अच्छा छह अच्छा सात महीने अच्छा हो गए अच्छा और अमीनाबाद भाई। के अलावा, अमीनाबाद के पास अलावा में ही हजरत हजरतगंज में आजकल, उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 30+ ईयर्स अगो, उस जमाने में हम लोग जब घूमने जाते थे उसको लोग कहते थे गंजिंग करने जा रहे हैं। आजकल पता नहीं गंजिंग है कि नहीं है। आज भी कहते हैं गंजिंग, पुराने लोग कहते हैं। एक्चुअली इट इज द हार्ट ऑफ द सिटी, सबसे पुराना एरिया है और आज भी कुछ पुरानी बिल्डिंग दिख जाती है वहां पर। बट अब तो इतना डेवलप हो गया, काफी नए एरिया बन गए, ना उर्दू बोलता कोई, ना कुछ पुराने लोग मिलते हैं, ना शायरो शायरी करते हैं। टोटल दिल्ली दिल्ली ऐसा ही हो गया, सब दिल्ली जैसे हो गया। एक्सटेंशन हो गया काफी। उस जमाने पे वहां पर एक सिनेमा हुआ करता था, उसका नाम था मे फेयर। अभी है कि खत्म हो गया? अब वहाँ कुछ और बन गया है एक्चुअली। और मुझे पता है मेरे फादर वगैरह वहाँ मूवीज देखा करते थे, इंग्लिश अच्छा, मूवीज आती थी वहाँ पर हॉलीवुड की। आज भी है मेफेयर के नाम से, बट मूवी नहीं चलती, यू आर राइट, इंग्लिश पिक्चर आती थी। और मेरे को अभी ओनली भी इंग्लिश। याद है, मेरे को अभी भी याद है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को लोग इसको बात सुनेंगे वो सुनेंगे, पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आई एम ऑलरेडी 53 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। और उस जमाने में जब जब मैं वहाँ पर निकलता था, उस जमाने में उस वक्त मेरी उम्र थी शायद 13 साल या 14 साल समथिंग। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट वॉट 40 ईयर्स अगो, सॉरी नॉट 30, 40 ईयर्स अगो। 40 ईयर्स अगो उस जमाने में अगर किसी को इंग्लिश पिक्चर देखनी होती थी तो वो मेफेयर में ही जाता था। और उसके थोड़ा सा आगे चल के अगर आप इस तरफ के जो विधानसभा वाली रोड की तरफ अगर आएंगे, और लेफ्ट साइड में एक वो एक था साहू सिनेमा, साउथ सिनेमा वो वो तो भी अभी है भी आजकल, है, वो भी है वो अभी आजकल, है। वो भी जी साहू जी भी है, मेफेयर भी है। चलो अच्छा, तो मेफेयर में इंग्लिश पिक्चर लगती थी उस जमाने में। और मेरे को याद है कि मैंने जो पिक्चर देखी थी उस जमाने की बात कर रहा हूँ, अब पता नहीं अब लो, उस जमाने पिक्चर आई थी एक दी ब्लू लेगून, अगर आप सुना गूगल है पे मैंने। चेक करके टाइप कर लें, इसमें ब्रुक शील्ड्स हैं और उसका लड़की का नाम पता नहीं क्या है। तो उस जमाने में आई थी, तो हम लोग भाग के जाके पिक्चर मतलब गए देखने जाते थे और लाइन लगती थी आप मे फेयर 14 ईयर ओल्ड के थे तब बग मारते थे। में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम गए हैं बिल्कुल वहां पर, हमने पिक्चर देखी है। संडे को हम जाते थे और वहां से चार बाग से हम विक्रम लेते थे, और मुश्किल से शायद उस वक्त 2 रुपए 3 रुपए लेता था, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ सही हुआ। चार बाग से विक्रम लेके विधानसभा के सामने सामने गुजर के दाहिने हाथ पे विधानसभा है, आगे वहां पर एक लाल बत्ती आएगी, लाल बत्ती से वहां पर पैदल उतर के फिर हम लोग मेफेयर की तरफ जाते हैं। वो आपको ड्रॉप करता होगा ऑटो कैपिटल सिनेमा के पास, वहां से आप राइट लेते होंगे, लेफ्ट लेते एक होंगे। एक सिनेमा था वहां पर, सिनेमा का नाम क्या क्या कैपिटल कैपिटल था? कैपिटल। कैपिटल में उस जमाने में लगी थी उस जमाने की पिक्चर लगी थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे और जो साउथ का एक्टर था क्या है, अंधा रजनीकांत। कानून लगी हम थी। अच्छा अच्छा अंधा कानून, काफी मूवी देखी है। अगर आप पिक्चर टाइप करें अंधा कानून, देखें कब रिलीज हुई है, वो मेरे सामने रिलीज हुई थी। मैंने पहला दिन पहला शो वहां पर अंधा कानून उस सिनेमा में देखा हुआ है। आपका इतना लखनऊ से कनेक्शन कैसा है, आप किधर से हैं? सर जी मैं तो घूमता रहता हूँ सारा, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से पंजाब, पंजाब से बेंगलोर, हर जगह मैं घूमता रहता हूँ। मैं सारी सारे हिंदुस्तान का मैं सफर करता रहता हूँ और घूमता रहता हूँ वहां वही पर। तो होम टाउन होगा। होम टाउन सर जी, अभी अब अभी इस वक्त ना पूछे होम टाउन मेरा कहाँ पर है। होम टाउन तो इस वक्त मेरा कनाडा में है, और मेरे को एडमिट इंडिया इंडिया से लिखे हुए इंडिया से निकले हुए मेरे को कम से कम ये 26 साल हो गए हैं। तो मैंने 1994 में 1994 में भारत छोड़ दिया था, तो आप देख लो कुछ 26 साल से मैं भारत अब तो इमिग्रेशन इतना टफ हो गया सर, क्या बताऊँ, इतना टफ हो गया है। मैंने पर दोनों तरह से ट्राई किया है। चलो टफ, उसके बारे में हम लोग बात करतेंगे। बाकी जो मेरा जो पहला रीजन था आपसे बात करने का वो था कि आप लखनऊ से हैं, वो मेरे को बड़ी खुशी है।
और दूसरा रीजन है एक कि आपने जो भी कोई केस के बारे में, मेरे को पता नहीं आप बताएंगे केस के बारे में, और उस केस से जो कोई फ्रॉड होता है जो कनाडा का ऐसा कुछ होता है उसके बारे में हम लोग को कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी और दुनिया को कुछ इससे सहूलियत मिलेगी, बेटर उसको अवेयरनेस मिलेगी। आप बताएं आपकी क्या कहानी है, और आपको याद दिला दें कि आपकी कहानी को हम, आपकी कंसेंट ली है हमने, आपकी परमिशन ली है, और आपकी कहानी अपनी मर्जी से आप दुनिया को बताना चाहते हो। सो आई होप दैट यू आर ओके। और दूसरी बात है कि कंसल्टेंट का या वकीलों का नाम ना लें, क्योंकि डेफिनेटली वकील साहब भी देख रहे होंगे और भी लोग देखते हैं, तो हमें यहाँ पर किसी की वो यू नो अनबन नहीं चाहिए, दुश्मनी नहीं चाहिए, बट यू नो आई वॉन्ट पीपल टू नो द फैक्ट्स एंड द लॉ, उसके बारे में बताएं आप। और इजली हो गया था, मीन्स जो जो रिक्वायरमेंट थी पूरी की और वहाँ पहुंच गए, और थोड़ा अर्निंग सिस्टम था, अनरेटेड सिस्टम था, तो थोड़ा मैंने गैप लेके अपना जो भी स्टडी की, और मेरा जो एग्जाम का लास्ट एग्जाम का लास्ट डे था उसी दिन मेरा वर्क परमिट फिनिश हो रहा था, वीजा भी फिनिश हो रहा था। सो मेरा लास्ट रिजल्ट को मैंने बहुत सर रिक्वेस्ट की सर, मैं आपको रोक दूं थोड़ा सा, आप जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हो थोड़ा सा कंफ्यूज ना होते, जब आपने कहा कि खत्म हो रहा था वर्क परमिट, नहीं आपका स्टडी परमिट खत्म हो रहा था, साथ में वर्क परमिट भी होगा, तो दोनों स्टडी परमिट की एक्सपायरी खत्म, तो वी हैव टू चूज दिस वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि अलग अलग वर्ड्स का अलग मीनिंग हो जाएगा। सो आपका स्टडी परमिट खत्म हो रहा था और आपका उस दिन आपकी पढ़ाई का आखिरी एग्जामिनेशन था जो भी था, राइट? इज दैट राइट? या ठीक है, आगे बढ़ो। स्टडी परमिट फिनिश हो रहा था, तो मैंने अपने प्रोग्राम मैनेजर और सभी लोगों से डिस्कस किया, तो इवन जिनका लास्ट रिजल्ट मेरा आने वाला था मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द कर दीजिए और मुझे वर्क परमिट के लिए बॉर्डर जाना है अप्लाई करना है। तो ऐसा कुछ उधर से प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया और मैं एक दिन लेट हो गया, मैं बॉर्डर गया अभी और एक दिन लेट हो गया, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, उन्होंने बोला सॉरी आपको वर्क परमिट नहीं सकता, यू हैव टू गो टू योर यूनिवर्सिटी एंड जो भी बात कर सकते हैं। वेट, थोड़ा सा हम इससे पहले मिस कर जाएं कुछ बात है कि स्टडी परमिट आपका खत्म हो गया उस दिन, जिस दिन खत्म हो गया, और आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने बॉर्डर पे गए आफ्टर फ्यू डेज। नो, सेम डे, और पहुंचते वो टाइम हो गया, पहुंचते किसी का टाइम हो गया, ऑफिस बंद हो गया क्या, व्हाट डू मीन टाइम हो गया? टाइम निकल गया, मींस नेक्स्ट डे लग गया, और वो जो है जस्ट एक दिन पुराना हो गया मेरा। अच्छा, एक दिन पुराना, मतलब कि वो इंटरेस्टिंग 12 बज गए, मतलब कि ऐसी ही तो बॉलीवुड कहानी चल रही है कि मतलब कि उस दिन आपका मैंने अभी तो सर शुरुआत हुई है। अच्छा, हो गया उस दिन और आपको CBSA officer ने कहा कि sorry you are out of luck and you cannot apply right now, correct? I was the only guy जो जिसने US border visit किया, उसके पास Canada visa भी नहीं था, तो report तो वो लोगों ने बोला कि आप extend करा सकते थे, आपका result नहीं आया तो आप extend करा सकते थे अपने study permit और visa, तो ऐसा हुआ नहीं, ये नहीं होता। थोड़ा सा we have to go step by step, ये CBSA officer ने आपको बोला कि आप extend करा लेते study permit? नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, वो एडवाइस नहीं करते, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए हेल्प नहीं कर सकते। और जो कनाडा का सीबीएसए ऑफिसर था उसने दो चार जगह कॉल भी की, बड़ा अच्छा बंदा था, यूएस वाले थोड़ा रूड थे, बट इधर जो फ्लैग पोलिंग के लिए अपने कैनेडियन बंदे थे उन्होंने बहुत हेल्प की, बट उन्होंने सॉरी बोल दिया, कोई बात नहीं। फिर मैं आया और मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया, तो किसी ने बोला कि अपने किसी कोर्स को जो तुमने मास्टर्स किया है जिसमें मार्क्स कम आएंगे उसको रिपीट कर लो, यू विल गेट न्यू स्टडी परमिट एंड देन तुम कंटिन्यूटी बन जाएगी आपकी। That's right. मतलब के study, मतलब we have to just go on the same wavelength. तो मतलब उन्होंने, किसने आपको advice दी कि आप study दोबारा ले लो, extend कर लो और दोबारा नया study permit लेके let's continue living on the study visa purpose. ठीक है। हमारे seniors जो Indian थे उन्होंने बताया कि ठीक है, ये भी रहेगा तुम्हारे $400-500 जाएंगे और वो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको सोच रहा था, ऐसी same case मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था, तो हम लोगों ने जाके पहले प्रोग्राम मैनेजर जो मास्टर्स थे हमारे और जो प्रोफेसर थे उनसे डिस्कस किया, वो तो वाइट पीपल थे, उनको तो इमिग्रेशन में इतना इंटरेस्ट था भी नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये काम मत करो, आप जो है हमारा जो खुद के कंसल्टेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज में उससे जाके हम बात करते हैं, शी विल हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो चाइनीज थी, उन्होंने हमारे प्रॉब्लम को देखा, उन्होंने कहा कि ओके यू हैव टू आपको रीएक्सप्लोरेशन कराना पड़ेगा अपने इसको,
दिमाग काम नहीं कर रहा तो मैंने मैम आप दादा समझ सकते, उन्होंने अप्लाई किया, ठीक किया, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे बताए ऐसे ऐसे करो वैसे ऐसे करो, बट उन्होंने मुझे फीस कम बताई, फीस थी $200 फॉर रीस्टोरेशन एंड $200 फॉर वर्क परमिट एंड 155 गलत हो गया थोड़ा सा, 255 नहीं अभी यहां यू आर राइट, 200 है रेस्टोरेशन की, 200 है रेस्टोरेशन की और वर्क परमिट की 255 है टोटल 455, बट एग्जैक्टली 605 होता है बिकॉज $150 जब आप वेस्ट रोड के स्टूडेंट भी होते हैं उसकी होती, भले आप दो दिन के लिए चार दिन बनो बस आपको पे करें, तो ये चीज मैम ने स्किप कर दी, स्किप हो गया। हमने जाके बड़े तरीके से पिक्चर क्लिक कराई, जो भी कराया, हर एक काम की, अपनी पार्ट टाइम जॉब भी हमारी छूट गई थी बिकॉज वी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट, तो गरीबी भी आ गई, तो उसके बाद हमने पिक्चर्स क्लिक की जो यूएस की होती है, वाइट बैकग्राउंड की, सब कुछ किया, फीस भी पे किया, सब कुछ किया, चला गया, तो हम आराम से वेट कर रहे हैं, मैम बोली 100% आ जाएगा, आपको टेंशन लो, जब आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, लोग इमिग्रेशन, तो आपने टैक्स पे किया, आपने डिग्री की है, मास्टर्स किया है, आपको परेशान नहीं करेंगे, कनाडा इज रियली कूल। मैंने कहा ठीक है, बट रिजेक्शन आया कब आया, 115 days, 115 दिन बाद, तो आई लॉस्ट माई 90 days। मैंने कहा मैं तो इधर का भी नहीं रहा, मैं उधर का भी नहीं रहा, मैम मैम के पास बीच बीच में जाता था जब 70 days थे, जब 60 days थे, क्योंकि मैं, मेरे को देसी आदमी है, वही दिमाग में चलते रहता था कि अगर नहीं हुआ, बाय द वे नेगेटिविटी बहुत आती है दिमाग में, तो मैम बोलती थी ठीक है ऐसा हो जाएगा, मैंने मैम से कंफर्म भी किया कि डिड वी एग्जैक्टली पेड एग्जैक्टली फी लाइक 455 एग्जैक्ट है या कुछ और भी पे करना है, तो बोली डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ सही है, और मैं इसलिए क्यों बैठी हूँ, मैं तो ये वो, मैंने कहा मैम मैं सोच रहा हूँ जब 70 days हुए थे, 20 days बचे थे, मैंने कहा मैम मैम सोच रहा हूँ किसी लॉयर से बात कर लेता हूँ, तो मैम एग्रेसिव हो गई, बुरा मान लगे, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, जाओ फिर अपना जो भी इंग्लिश चाइनीज मिक्स में उन्होंने बोला था। अब ऐसे टाइम में आप बड़े बुजुर्गों की सुनते हो या फिर एक्सपीरियंस की सुनते हो, मैंने कहा ठीक है भाई, और फिर मैं चले गया, उसी दिन रिजेक्शन आया, उसी दिन मेरा कन्वोकेशन भी था, बिकॉज कन्वोकेशन तो 3 months के बाद था, और हाँ, तो मैंने कहा तो कहीं के नहीं रहे। थोड़ा सा आपको यहीं पर रोक दूं, ये उन्होंने जो कंसल्टेंट थी यूनिवर्सिटी की जो वहाँ पर एक ऑफिसर होंगी इमिग्रेशन कंप्लायंस वगैरह करती होंगी, तो इन्होंने कुछ एग्रीमेंट वगैरह दिया था आपको, एग्रीमेंट वगैरह कुछ? हाँ एग्रीमेंट वगैरह दिया था, उन्होंने ही मुझे फॉर्म वगैरह फिल कराया था, और उनका उनके लेटर पैड जैसा कुछ था, बड़ा सा फॉर्म था फिल कराया था, बट पैसे तो नहीं चार्ज करे ना? नहीं पैसे तो नहीं किए, तो एग्रीमेंट, सो टिपिकली देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू, यू आर नॉट अ क्लाइंट ऑफ हर्स, यू आर डूइंग एज अ, शी इज डूइंग एज अ प्रो बोनो, और उसमें उन्होंने जो एप्लीकेशन जो सबमिट करी है वो आपको याद है कि केस प्रोसेसिंग सेंटर एडमिंटन में करी होगी, कहाँ करी है, कौन से, बाय मेल करी होगी ना? अल्बर्टा में से, क्या ठीक है, चलो ठीक है, फिर उसके 115 दिन बाद रिलीज हो गया। हाँ तो उसके बाद तो मैंने मैम को बोला कि मैम ये आपने गलत किया, ये फीस ऐसी थी वैसी थी, आपको एग्जैक्टली फीस बताना था, जस्ट $150 के लिए मैम इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, $150 क्या होते हैं, $50। तो बोली मैम ने ये बोला कि हमारा काम कंसल्ट करना है, हम कोई लॉयर थोड़ी ना है, इन्होंने ऐसे बात को मैनिपुलेट कर दिया, हम कर भी कुछ नहीं सकते थे, आउट ऑफ स्टेटस ही हो गए, लेटर आ गया था, वो रिजेक्शन वो लेटर था कि यू हैव टू गो बैक और अदरवाइज वी विल टेक फोर्सली टेक द एक्शन, ऐसा कुछ था, फादर मेरे थे, सब कुछ किया, और 90% बंदे स्टडी करने इसलिए जाते हैं कनाडा में कि पीआर मिले, और इतनी स्टडी के सब कुछ करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी, बस वो मैं उसको स्टेटस नहीं दिखा पा रहा था, तो जॉब भी छूट गई, एक दिन की थी जॉब, उन्होंने बोला 2-4 दिन में, कोई बात नहीं, फिर मैम से, फिर मैंने अब जाके एडमिशन लेता हूँ, तो अब एडमिशन भी नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि स्टेटस चाहिए, लोग बोले भी इंडिया में भी बोलेंगे थे, आप तो बड़े जोश में गए थे पढ़ाई करने, खैर तो फिर वहां से प्रॉब्लम लगी, फिर मैं हैलिफैक्स में रहता था उस टाइम, मैंने फिर एक लॉयर को कॉन्टेक्ट किया, वो पाजी थे, तो मैंने सोचा कि आधा कनाडा तो पाजी लोगों का ऐसा दाजी लोगों, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे, मेरे दोस्तों को भी उन्होंने काफी जुगाड़ से गलत वर्ड बोलेंगे, मतलब वो इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है, मुझे ऐसा लगा इंडियंस देसी वगैरह, गोरे से मेरा बैड फीडबैक आ चुका था,
उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला कि, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, रजिस्ट्रेशन का इशू है मेरा, मैं ये हो गया हूँ, मुझे लेटर गया, मैं क्या करूँ। उन्होंने लेटर भेजा, लेटर भेजा उनको, बोले कोई नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका एच एन सी ह्यूमैनिटेरियन कंपनसेटेड बैकग्राउंड में आपका अप्लाई करेंगे और आपका हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने कहा सर वर्क परमिट के लिए होता है वो, तो पी आर के लिए सुना होता है मैंने। आप कह सकते हैं कि जो लोग रिफ्यूजी के लिए अप्लाई करते हैं, रिफ्यूजी थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाता है, ये उससे थोड़ा सॉफ्ट कह सकते हैं। मैंने भी कुछ शुरू कर दिया थोड़ा था। सा आप, आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट जो करा, आप इसके बारे में जिन लोगों को जो ये देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, उनको आप थोड़ा सा बता दो कि इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है, नहीं तो हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं एचएनसी होता क्या है। थोड़ा सा आपको पता है कि एचएनसी क्या होता है? आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरा? अभी नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा स्क्रीन? आई एम शोइंग इट ऑन द, आई एम डूइंग अ स्क्रीन शेयर, so let me see if I can do it one more time, otherwise या I'm showing it directly on the screen. ये HNC होता क्या है? कई लोगों का ये मानना है कि HNC अगर कुछ ना हो तो HNC कर लो, तो उसके बारे में थोड़ा सा गलत। स्क्रीन जरा उसके जरा खोल दो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो there's a problem, या मेरे अब को देख दिख रहा है। ओके सो अब देख इसको रहा कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड, इस पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इससे पहले कि आगे आगे बढ़े, दिख रहा है ना आपको क्लियरली? यस आई कैन सी। ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सिंपैथी, या रहम रहम करना, थोड़ा सा रहम दिल होना। तो पीपल हु वुड नॉट बी नॉर्मली एलिजिबल टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स मे बी एबल टू अप्लाई ऑन ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड, और ये है असली बात, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पीपल इन एक्सेप्शनल यस केसेस, और केस बाय केस पे होता है, ये ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा। दूसरी बात बड़ी समझने वाली चीज है कि एचएनसी का जो अप्लाई करना मतलब ये है कि आप पीआर अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपका चक्कर तो ये है कि आपको स्टडी करना है, वर्क करना है, स्टडी प्रैक्टिस परमिट करना ही है। तो ये हम, ये होता है कि हम दूध अलग है पानी अलग है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो उसमें क्या रह जाएगा इसमें, मतलब कि हमें तो चाहिए वर्क परमिट लेकिन हम एचएनसी की तरफ जा रहे हैं। मेरा मेरा जो मानना है कि इट इज नॉट द राइट अप्रोच, और यू नो मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसने क्या खा, लेकिन अगर आप मेरे पास आते तो मैं कभी नहीं कहता हूँ आपको कि ये करो, क्योंकि और भी थोड़े से रूल्स देख लेते हैं क्या है एचएनसी का। अगर आप देखो इस पर लिखा हुआ है, ये लाइन मैंने पढ़ो, पूरा पढ़ा था। हाँ इस पर लिखा है कि यू मे ओनली आस्क फॉर एचएनसी ग्राउंड इफ यू अप्लाइंग फॉर पीआर स्टेटस इन कैनेडा और अब्रॉड, टिपिकली और भी सारी सारी बहुत वो हैं। और इसमें एक एक केस एक और भी है, इट्स कॉल्ड वैविलोव केस, आई डोंट नो आपको आपको नहीं पता है, तो वैविलोव केस जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट बहुत बहुत बड़ी है। वैविलोव, आई कैन जस्ट, ये तो ऊपर मैंने टाइप वैसे ही आ गया, मैंने वैव किया तो वैसे ही आ गया, और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। एचएनसी में को कैसे लोग देखते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में वैविलोव केस का एक बेंचमार्क है। अगर वैविलोव केस का जैसे स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबलनेस अगर नहीं होगा तो एचएनसी केस का अप्रूव होना बहुत मुश्किल है। तो किसी का, मैं तो मैं, अगर आप मेरे पास आते, अगर मेरे जैसा, अगर अगर इस तरह के सिचुएशन में, अगर वैविलोव केस को लेके मैं कहता हूं कि आपको मैं अपना, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था ये, और अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप ऐसे टाइप करके यू कैन डू ऑन गूगल कैनेडा वर्सेस वैविलोव, और इसको आप पढ़ लेना कि किस तरह के केसेस में आपको एचएनसी के बेस पे आपको पीआर मिलती है, तो उससे आपको आपको मालूम पड़ जाएगा। गो अहेड कंटिन्यू, फिर क्या हुआ आपके केस में? मैं कहाँ पर था। हाँ तो फिर मैंने, उन्होंने बोला मैं तुम्हारा एजेंसी में करूँगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि अच्छा कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला मिनिमम 6 महीने लगेंगे, क्योंकि मैंने कहा था अगर 6 महीने ज़्यादा लगेंगे अगर, तो क्योंकि अब हैलिफैक्स छोटी जगह थी और वहाँ पर लॉयर्स ही कम होते थे। उसके बाद इस केस में लॉयर ढूंढना मुश्किल था। मैं कभी टोरंटो आया भी नहीं था, जस्ट कभी घूमने आया था 1-2 दिन के लिए, तो मुझे नहीं पता था। किसी ने बोला टोरंटो के लॉयर को कॉन्टैक्ट करूँ, उन्हें ज़्यादा पता होगा। बाद में टोरंटो में गया तो मुझे लगा कि यहाँ ठीक काफ़ी है, देसी है, तो उसने ठीक मुझे ये बोल दिया कि तुम एचएनसी कर लो। फिर मैंने जब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ मिस्टेक है, तो मैंने एचएनसी का पूरा पढ़ा। फिर मैंने एक बंदे से मिला जिसका एचएनसी अप्रूव हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस बंदे ने मास्टर्स किया था और उसमें 3 साल हो गया था जॉब करते हुए, और उसका जॉब के में कुछ नॉक सी नॉक ए का बी का सीन था, जिसकी वजह से उसको वर्क परमिट वो सॉरी पीआर नहीं मिल पा रहा था। कुछ मिस्टेक उससे हो गई थी बंदे से, तब उसने एचएनसी किया था, तो उसका हो गया था काफ़ी स्ट्रगल के बाद। या बट मेरे में तो कोई चांस ही नहीं है यार। मेरा तो स्टडी स्टडी भी नहीं, वर्क परमिट का था, और उसके लिए चलती लगाना तो बहुत अजीब बात थी। कोई बात नहीं, 6 महीने हो गए, मैं एलिफैक्स में वेट करता रह गया।
मुझे डर भी लग रहा है, मैं ओवर स्टे हो रहा है और मैं इस 6 महीने ज्यादा ही करना होता, मैं इंडिया जाकर दोबारा स्टडी किया जाता। जब उन्होंने बोला था कि लेटर के लिए चले जाओ, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ पैसे भी थे, 6-7 thousand हो जाता जो भी, एक बार बंदा स्टडी करके जा चुका है दोबारा चांसेस देते, कोई बात नहीं। फिर मैं थक थक हार के मैं आ गया टोरंटो। मैंने तो बोला कि सर आपने कैसे कैसे अप्लाई किया एजेंसी मुझे बताइए। तब तक मैं इतना क्यूरियस था कि मैंने पूरा IRCTC की वेबसाइट में सब पढ़ डाला था। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला कि हमने बाई पोस्ट अप्लाई किया, ऑनलाइन होता नहीं एजेंसी। मैंने सर जैसे अप्लाई किया तो उसका कुछ कैनेडा पोस्ट वगैरह कुछ तो होगा, कुछ तो बताइए। मेरी मेरी फीस जो थी वो तो मुझे डिडक्ट हो गई थी मेरे क्रेडिट कार्ड से, $605। मेरे दोस्त की तो हुई भी नहीं थी। मैंने कहा उसका कैसे आपने अप्लाई कर दिया, अच्छा ये कोई बात नहीं। थोड़ा ये देखें, अभी आजकल जो HNC केसेस हैं आजकल करीब करीब 3 साल लग रहे हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये आजकल सब करीब करीब 3 साल आजकल लग रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको HNC के बारे में थोड़ा सा बता दूं इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। मैं बता दूं HNC के बारे में कि HNC जब आप अप्लाई करते हैं, इट इज एसेंशियली फॉर PR, जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे आपके जो स्टेटस है, ऑलरेडी एक्सपायर्ड स्टेटस है, ओवर स्टे स्टेटस है, उससे कुछ नहीं होता। दैट मीन्स के आप यू आर ऑलरेडी इलीगल, और आप अगर आप उस जमाने में कितना टाइम लगता था, 6 महीने या 10 महीने समथिंग, नहीं उस जमाने में भी सर 18 मंथ मिनिमम दिखा रहा है, आपका इलीगल स्टे कंटिन्यू रहता है। आपका ऐसा नहीं कि इलीगल स्टे आपका वो उससे कोई रेमेडी हो जाएगी, आपका जो मेन प्रॉब्लम है, जो ओवर स्टे हो गया, इलीगल स्टे हो गया, उससे कोई इसका समाधान नहीं है। HNC इज अ टोटल डिफरेंट इंडिपेंडेंट पैरेलल एप्लीकेशन, थोड़ा सा ये बता दें आपको। जी यू आर राइट। तो अब उससे नॉलेज नहीं था, मैंने तो पूछा सर मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ, मुझे बताइए आपने जो भी भेजा कैनेडा पोस्ट से दिखाइए। तो दिखाते नहीं थे, बोलते थे मैं पुराने ऑफिस में ये वगैरह वगैरह करके। तो मेरा एक दोस्त लॉयर मुझे मिला वहाँ पर, काफ़ी बचपन का दोस्त था वो, कभी कैनेडा पहले चले गए थे। उसने बताया कि केस नोट निकलवाते हैं, केस नोट्स। मैंने उसके $100 दिए, केस नोट निकलवाया। उसमें सब कुछ था कि मैं MLA से मिला, MD फिल्मोर से, हेलीकॉप्टर से, मैं जस्टिन ट्रूडो के पास भी गया था, वो मिल नहीं पाया था। जो जिन 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 से मैंने अप्लाई किया था, जो जो MLA, सब कुछ उसमें था। मैं कब इंडिया से चला, कब क्या किया, एक्सेप्ट मेरे HNC की फाइल, सब कुछ था उसमें। मैं शॉक हो गया, मैं शॉक लग गया मुझे कि मैं ये, इन्होंने तो अप्लाई भी नहीं किया, अब तो मैं इम्प्लाइड स्टेटस में भी नहीं हूँ। मुझे बोलते थे कि तुम रुके रहो, अगर मैं इंडिया जाओगे तो हमारी HNC ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, मुझे इंडिया में नहीं आने दे रहे, मेरी शादी वादी करनी, वो भी दो तीन साल से कोई वेट कर रहा है। इंडिया क्यों नहीं आने दे रहा, व्हाट डू यू मीन इंडिया नहीं आने दे रहे? वो कह रहे थे इंडिया जाओगे तो मेरी HNC फाइल कैंसिल हो जाएगी। इससे तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अगर HNC फाइल, जैसे अभी हमने देखा स्क्रीन पे, HNC फाइल इज अ इंडिपेंडेंट कंकरेंट पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर PR। उससे अगर आप चाहे अप्लाई करने के बाद अगर आप इंडिया चले गए, कोई और कंट्री चले गए, इट हैज नो इफेक्ट ऑन देयर फाइल। अगर वो फाइल अगर आप इंडिया चले गए होते, अगर वो फाइल अप्रूव होती, तो आपको वो नोटिफिकेशन आपके जो मेलिंग एड्रेस है जो लॉयर का, वहां पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। सो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि एज सून एज यू एक्सेप्ट, इट डज नॉट न्यूट्रलाइजेज योर फाइल। कोई और केसेस में मैं आपको दे सकता हूँ कि उसमें हो जाती है, जैसे एक रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं कुछ लोग, तो अगर वो रेफ्यूजी में अगर अप्लाई करते हैं और वो छोड़ जाते हैं तो उनका वो विड्रॉ कैंसिल हो जाता है, नॉट एन HNC फाइल। और दूसरी बात यह है कि अगर HNC ही करना था, अगर मेरे को करना था HNC को, अगर आपके लिए, तो आप इंडिया आ जाते, लखनऊ आते, लखनऊ से कर सकते थे HNC, आपको वहां रहने की जरूरत नहीं थी। एनीवे कंटिन्यू प्लीज। इट मेक सेंस, लेकिन सर वही तो बात है ना, जब आप नए नए छोटे शहर से हेलीपैड से गए हो तो नहीं समझ आता सर, और दिन पर दिन वो इतनी छोटी सी मिस्टेक, 3 घंटे लेट हो गए बॉर्डर में, वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, घर से प्रेशर है, और आप जॉबलेस हैं पिछले, क्योंकि आप जॉब भी नहीं कर सकते कहीं, आपके स्टेटस नहीं है, तो 1 साल से जॉबलेस हूँ, पैसे मांग मांग के काम कर रहा हूँ, घर से मंगा रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो मैंने उनसे बोला, तो वो केस नोट्स में मैंने देखा, मैं शॉक हो गया। मैंने कहा सर आपने कुछ किया भी नहीं, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मुझे मेरे पैसे ही दे दो यार, जाके कुछ करूँ, फिर वापस स्टडी के लिए आऊँ, कुछ करूँ, वो स्टे किया है, या फिर मैं घर जाके PR अप्लाई करूँ, मुझे सेल भी नाइन लाना पड़ेगा, और मैं फिर डिग्री आई मास्टर्स, तो मेरे पॉइंट बन जाएंगे। उन्होंने पैसे वैसे भी नहीं दिए, और मेरी फ्लाइट वगैरह थी, मुझे आना था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने ब्लॉक वगैरह भी कर दिया मुझे, वो उनकी कहानी है। मैं आपको यहाँ पर फिर रोकूंगा, क्योंकि मेरे को आपको जब भी मेरे को कुछ लगेगा, कुछ चीज मिसिंग है, तो मैं आपको रोकूंगा, इफ यू डोंट माइंड। Sure. तो जब आपने उनको हायर किया, तो उनके उनकी तरफ से कोई ना कोई एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट हुआ, रिटन एग्रीमेंट है वो आपके पास है, सब कुछ है वो, अगर रिटन एग्रीमेंट है, एक सेकंड, वेट, वो रिटन एग्रीमेंट में लिखा होगा सब टर्म्स एंड कंडीशंस के, कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, सब लिखा होगा, कितने, 4-5 पेज का, 6 पेज का है?
काफी बड़ी बड़ी फाइल है। तो उसमें उसमें जितने भी आपने पैसे दिए हैं उसमें लिखे हुए हैं कि कितने पैसे आपने दिए हैं, कैसे दिए, कब दिए, लिखे हुए हैं? ठीक है, दैट्स गुड। चलो कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू योर स्टोरी। फिर क्या हुआ, आप इंडिया वापस आ गए? पैसे तो 7-8,000 थे, वो तो फिर भी इतना नहीं प्रॉब्लम हुई। 7-8,000 डॉलर जो लॉस हुआ मेरा टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। फिर मैं आ गया यहाँ पर, और अब एक बार आप 5-4 साल रह चुके हो कनाडा में, तो फिर उसी हिसाब से प्लानिंग कर रखा था क्या करूँ यहाँ पर आया। फिर मैंने यहाँ पर आईएलटीएस की प्रिपरेशन की काफी दिनों तक, 6-7-8 महीने तक, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी। कौन से साल महीने में वापस आए इंडिया आप, कौन से महीने साल में? लास्ट ईयर आया था, इसी टाइम में साल हो गया। महीना बताएं? जून, जून में, सॉरी जून ऑफ 2000, जून फर्स्ट, ठीक है ठीक है, जून फर्स्ट, हाँ उसके बाद आ गया। और फिर मैंने प्रिपरेशन की काफी, फिर मेरे नवंबर में आईएलटीएस में आ गया फेल भी नहीं, और फिर मास्टर डिग्री तो मेरे पॉइंट बन गए 471 समथिंग, और मेरा आईटीआई वगैरह भी आ गया। हाँ, मास्टर डिग्री का फायदा, मास्टर डिग्री का फायदा होगा बाकी जो भी है, और एक तरह से काफी टाइम लगाया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद सर यही प्रॉब्लम, अब मेरे दोस्त वगैरह बोल रहे हैं कि तुम्हारे रिजेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि आईटीआई तो आ गया, ठीक है, अब लॉकडाउन में सब, आई मीन कोविड-19 में सब स्टक है अभी। तो अब मुझे लग रहा है कि मान लीजिए अप्रूव होती है, उसमें एक क्वेश्चन भी है कि डिड यू ओवर स्टे, अब आगे की फाइल प्रोसेस होगी, तो सर उसमें मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है रिजेक्ट ना कर दें कि ओवर स्टे किया। कोई कह रहा है कि जनरल रीजन बताओगे, ऐसा कुछ नहीं है, और आप अच्छे से बताओ सब कुछ, पूरी कहानी और ओवर स्टे का रीजन भी प्रूव करो कि क्यों किया, आप आना चाहते थे वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं होगा। तो सर यहाँ पर मैं काफी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इतना सब करने के बाद पैसे लॉस, सारी कहानी के पहलू खत्म हो गए, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब मैं वेट कर रहा हूँ आगे बढ़ने का। ओके, आगे 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 बढ़ते हैं। और आपका ये इनविटेशन जो आपने आपका आ चुका है 470 वाला, 471 वाला, तो अभी आप मतलब उसके डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, कर रहे हैं, क्या क्या है? थोड़े बहुत किए हैं, अभी नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी करना था मुझे। कितने मुझे टाइम दिया था? कितने दिन बाकी हैं आपके वो जमा करने के लिए? 60 डेज है अभी, क्योंकि कितने दिन बाकी और अभी हैं आपके, मतलब कब आया है, यू हैव वन मंथ है, कितने दिन बाकी हैं आपके पास अभी? होंगे कुछ 35 डेज बाकी होंगे। अच्छा ठीक है, तो आपकी आपकी समस्या सिर्फ इतनी है यहाँ पर अभी है कि मेरा पीआर आएगा नहीं आएगा बेस्ड ऑन जो पहले हुआ, जो ओवरस्टे हो गया, जो भी रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उसके लिए चलो मैं आपको उसके उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन आपको देता हूँ। आपको पीआर मिल जाएगी, आपको पीआर में वो रोकेंगे नहीं फॉर श्योर, क्योंकि जो भी आपकी जो हिस्ट्री है, अगर आपके जो जो ऐसे हुआ है वो दीज आर ऑफ कोर्स मिस्टेक्स एंड दीज आर वायलेशंस ऑफ सेक्शन 41 फॉर श्योर कि आपका वो हो गया है, लेकिन इसमें आपको पेनलाइज नहीं करेंगे। और जिन्होंने आपको कहा है कि आप प्रॉपर समझाएं, डॉक्यूमेंट देके समझाएं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट शुड बी ओके। अगर जस्ट इन केस अगर आप, क्योंकि होता क्या है कि लेट अस कंपेयर द डिफरेंट सिनेरियोस, लेट अस अज्यूम कि अगर आप अभी आप कनाडा में बैठे होते और अभी आप ओवरस्टे होते और आपकी ऐसी ये पॉइंट्स अगर आ गए होते और करते, तो आप यू आर टिपिकली यू आर इनएडमिसिबल, और इनएडमिसिबिलिटी को वेव करने के लिए यू कुड हैव अप्लाइड फॉर टीआरपी फॉर एग्जांपल, तो उससे आप स्टेटस में आते फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, सो देन यू वुड हैव रिज्यूम योर पीआर एप्लीकेशन। क्योंकि आप इंडिया चले गए और कंट्री से बाहर हो गए, जैसे ही आप कंट्री से बाहर चले जाते हो यू आर क्योर्ड ऑफ इनएडमिसिबिलिटी, डैट मीन्स को इनएडमिसिबिलिटी का वो एक समाधान हो जाता है कि यू आर नो लॉन्गर इनएडमिसिबल नाउ। और एक और बात होती है इनएडमिसिबिलिटी में कि कुछ मेजर कारण हैं, जैसे क्रिमिनल है, मेडिकल है, मिसरिप्रेजेंटेशन है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ कारण हैं, तो अगर उसमें अगर वो आपको चार्ज करते हैं, इफ दे मेक यू इनएडमिसिबल दे विल डू अ सेक्शन 44 रिपोर्ट अगेंस्ट यू दैट बार्स यू के यू कैन नॉट अप्लाई फॉर पीआर इन सम केसेस फॉर सम ईयर्स, तो वो आपके साथ नहीं है। आपके पास एक रेगुलर ओवरस्टे है, I don't think it will matter much if you give them all the proof. आप अपनी एक पूरी chronological file है सर, मेरे पास HNC की मेरे पास HNC की पूरी file है, उसको मैंने बहुत संभाल के print करके भी रखा है और PDF में भी रखा है, तो maybe it will वो एक अलग बात है, वो that's good, वो एक अलग बात है, वो जो मैं कह रहा हूँ आप उस पे थोड़ा सा वो करें कि ये होना चाहिए। आपकी जितनी भी आपने बातें बताई मेरे को, जो पहले दिन हुआ, जो अगले दिन हुआ, जो उसके कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी के पास गए, उनके पास गए, हर एक ये पहलू के आपको पास एक गवाह और सबूत होने चाहिए।
जैसे आपने बोला कि मैं सीबीएसई ऑफिसर के पास गया, आप बिल्कुल टाइम नोट करके, मैं इतने बजे गया, ये ऑफिसर यहाँ मिला, उसने ये मेरे को ये कहा, अगर नाम याद है तो वंडरफुल, इफ नॉट दैट्स फाइन। और उसके बाद फिर इसके पास कंसल्टेंट गए, कंसल्टेंट ने इतने बजे मेरे से बात करी, फिर उसने ये कहा, फिर मैंने उसे ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर ऐसे मेल किया, फिर मैंने दोबारा गया, फिर ये, यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ईच एंड एवरी कन्वर्सेशन कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। जितनी आप उसमें इसमें आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और एविडेंस हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट्री एक वो होना चाहिए कि वाकई ये चीज़ हुई है। अगर मैं आज बोलूं कि जी मैंने उसके पास गया, उसने मेरे को कह दिया, वी डोंट नो कि किसने क्या कहा। जितना आप उसमें एक्स्ट्रा एविडेंस दोगे उतना इमिग्रेशन को तसल्ली होगी कि ठीक है, यू हैव ट्राई टू डू द राइट थिंग, पर वो गलती उनसे हुई है, फिर लॉयर से हुई है, जिससे भी जैसे भी हुई है, तो उसके हिसाब से वो आपको वेव कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू, इससे भी बड़े बड़े केस जो वायलेशन वाले वो कवर अप हो गए हैं। सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ इशू, इतने इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आज आराम से रात को सो सकते हैं अच्छी नींद से। जब मैं वहां पर था सर, तो कुछ लोग मेरे फ्रेंड बोल रहे थे तुम्हें ले जाने की जरूरत क्या है, कभी आ नहीं पाओगे, तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, आइल्स की यहीं पर बैठ कर करो, पॉइंट्स आ जाए तुम्हारे, आईटी आ जाए, चले जाना। मैंने कहा मैं रूल और नहीं ब्रेक करूंगा, ये अच्छी बात, बंदा नहीं हूं। कोई बोल रहा है जी, कोई बोल रहा है कि रिफ्यूजी ले लो ये वो, मैंने इतनी स्टडी क्यों की, मैंने तो मैं ऑनेस्टली चला आया जो मुझे कैनेडियन रूल के अकॉर्डिंग सही लगा। मैंने स्टैम्प भी कराया वहाँ प्रॉपरली, और स्टैम्प अच्छे से, जो मैं जब लीव आई वॉज लीविंग कैनेडा टोरंटो, तो सब संभाल के रखा है मैंने। मैंने सोचा पासपोर्ट कभी खो सकता है, तो मैंने इसका भी पिक्चर क्लिक करके रखी अपनी जो भी स्टैम्पिंग की। और एक फनी चीज़ एंड में बताना चाहूँगा अगर आपके पास दो मिनट हो, कि ये मेरा केस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था, क्योंकि मैंने जस्टिन ट्रूडो को ईमेल भी किया था, और दो तीन बंदे और भी थे जो मुझे फेसबुक इंडियन इन हैलिफैक्स में मिले, उनके साथ भी सेम केस रखा था कि भूल जाते हैं बच्चे, मुझे नहीं पता क्यों भूल जाते हैं, मेरी तो मैं तो भूला भी नहीं था, मेरा लास्ट डे था, तो इस वजह से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी और अच्छे लॉयर नहीं मिल पाते थे, इसी तरह मैनिपुलेट होते थे। तो कैनेडियन इमिग्रेशन ये रूल आया था, इमिग्रेशन नहीं कहते स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको 6 मंथ तक वर्क परमिट लेने के लिए स्टडी अपना स्टूडेंट पर स्टडी परमिट से वर्क परमिट कन्वर्ट करने के लिए आपको 6 मंथ तक कोई भी वैलिड स्टेटस की जरूरत नहीं है। आप आ सकते हैं, बॉटम ले सकते हैं। मुझे जैसे पता चला मैं बहुत खुश हो गया, मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा था, मैं भी 3 डेज लेट हो गया, 6 मंथ 3 डेज हो गए मेरे। तो कोई बात नहीं, एक बंदी को फायदा हो गया था, अच्छी बात है, उससे कुछ थे। तो मतलब इस तरह लगता है कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। मिस्टेक हम ही लोग करते हैं, हम लोग मैनिपुलेट करते हैं उनको। यही सारा काम अगर आपका अमेरिका में हुआ होता या कहीं और हुआ होता, विच आई डोंट नो अदर कंट्रीज, तो आपका मतलब काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रिक्ट होते इसमें। लेकिन कैनेडियन इमिग्रेशन इज वेरी ओपन एंड कंसिडरेट इन दीज मैटर्स, एंड दे विल लुक एट द केस एट अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच कि वी यू नो व्हाट वी हैव टू डू। अगर कुछ होगा, अगर ऐसी कुछ अगर इनटेक अगर कोई ऐसी एट द टाइम ऑफ क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री की है, जब आप सबमिट करोगे अल्टीमेटली इट विल गो टू ऑटवा, जो केस प्रोसेसिंग सेंटर ऑटवा, वहीं से वो करके आपको अल्टीमेटली दे विल सेंड द कन्फर्मेशन टू न्यू दिल्ली। अगर वो होगा तो आप मेरे को फिर आप अप्रोच कर लेना, फिर वी विल सी हाउ टू एस्केलेट दिस एट द लेवल, कहाँ तक इसको ले जाना है उसके बाद। पर इस वक्त तो मेरे को ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नजर नहीं आ रही। इसके बारे में एक पुराना मेरे को हिंदी का मुहावरा याद आता है, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, और इसमें चुहिया इतनी छोटी तो नहीं है, थोड़ी बड़ी है, लेकिन है चुहिया वैसे। सर वो चुहिया को बड़ी कर दिया गया, बिल्ली से बड़ा बना दिया गया, कॉम्प्लिकेटेड। आप एक्चुअली वहाँ पर हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको छोटा लग रहा है, जो बंदा पूरी लाइफ डिपेंड हो। अब यहाँ पर मैं जॉब मेरी यहाँ भी लगी, मैंने सोचा जब तक कनाडा जाता हूँ यहाँ जॉब करता हूँ बेंगलुरु में, तो COVID-19 तो इस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा लाइफ में, तो बेटर यही है कि जो प्रोग्राम बनाया था 2015 में वही सक्सेस हो, और हर किसी का ड्रीम भी होता है ना उस तरीके से। मेरे मुहावरे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी सिचुएशन को मिनिमाइज कर रहा हूँ, मेरे मुहावरे कहने का मतलब इतना था कि इतनी बड़ी सरदर्दी की प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपको आपके चैन खो जाए। आप वो ठीक है, इससे भी और बड़े बड़े संगीन केसेस मेरे पास आए हैं आते हैं, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं कई बार, यू नो उनको अरेस्ट हो गया, डिटेंशन हो गया, फिर डिपोर्ट हो गया जबरदस्ती, एंड देन आपका तो यू केम ऑन योर ओन वायलेशन, यू नो यू डिडंट हैव टू बी फोर्स्ड आउट, तो यू आर ओके फॉर फ्यूचर एंट्रीज। अगर बाय चांस अगर वो आप कहीं, आई मीन जस्ट इमेजिन, आई मीन जस्ट ट्राई टू इमेजिन के यू आर आउट ऑफ स्टेटस
यू नो एंड मे बी अगर आप कोई गाड़ी चला रहे होते या किसी ने आपको ट्रैप कर लिया होता ट्रैफिक पुलिस ने या आपके साथ कोई कोई मिसहैप हो जाता इन लोकल जो पुलिस ने वुड हैव इंटरसेप्टेड यू और दे वुड हैव कॉल्ड इमिग्रेशन देन दे वुड हैव इशूड यू और डिपार्चर ऑर्डर ऑफ कोर्स इनिशियली रिमूवल ऑर्डर करके डिपोर्टेशन अगर बन जाता बहुत बड़ी आगे प्रॉब्लम चली जाती है और वो सब आप ऊपर वाले की मर्जी से आप थोड़ा सा बच के निकल गए थोड़ा सा सही है तो मैं भी स्टूडेंट को थोड़ा सा सजेशन है अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा मेरी मिस्टेक होने के बाद भी लोग अब ये मिस्टेक करते रहते हैं मैंने इंडियन इन टोरंटो इंडियन इन हैलिफैक्स में देखा है कि कभी भी जब आपकी स्टडी कंप्लीट होने वाली हो या एक्सटेंशन लेने वाले हो स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ हमेशा देखे कि मेरा टाइम कब है कब होने वाला है और कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे इंडिया तो जाना नहीं है यार मैं वीज़ा एक्सटेंशन क्यों लूँ मैं स्टडी परमिट को बस रिन्यू करा लेता हूँ नहीं आप बिल्कुल कराओ आप स्टडी भी कराओ $100 के देखो बच्चे सोचते हैं पार्ट टाइम जॉब्स में बहुत ज्यादा हो जाती है आप पूरा सब कराओ सब कुछ कराओ क्योंकि उस टाइम भी मैं अगर मेरे पर मैंने वीजा सेंशन कराया नहीं था दोस्त के कहने से तो मैं इंडिया आया था कुछ देखता यहाँ पर फिर आके देख फिर इंडिया से मैं स्टेटस होता इंडिया से मैं अप्लाई कर लेता स्टडी के लिए सर जी किसी भी कंट्री जाओगे सर जी किसी भी कंट्री जाओगे एक बहुत ही यूनिवर्सल सिंपल रूल है किसी भी कंट्री जाओगे आपको उस कंट्री के डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन वीजा एंट्री एग्जिट आपको पता होना चाहिए और ये आपकी सिर पे वो भार है कि आपको अपने आप करना पड़ेगा नोबडी विल डू इट फॉर यू यू कैन टॉक टू मेनी डिफरेंट लॉयर्स एट एनी टाइम्स एंड यू नो आप लॉयर की हेल्प लो या अपने आप करो किसी हेल्प लो अल्टीमेटली इट इज ऑन यू कि आपके डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त होने चाहिए एट ऑल टाइम्स अभी ये तो कंट्री बहुत ही सिंपल से कंट्री है जैसे यू नो दीज आर एंग्लो सैक्सन कंट्रीज यहाँ पर जेल नहीं करते कैन यू इमेजिन कि जस्ट ट्राई टू इमेजिन अगर कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई विच आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल टेल मी डिफरेंट स्टोरीज अगर आपने कोई ऐसा कोई गलत काम या कोई वायलेशन हो गया कोई सऊदी में यूएई में ऐसी कंट्री में हो सकता है उठा के आपको जेल में डाल दें आप यू नो देयर कुड बी अदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज सो किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो यू बेटर बी यू नो एट ऑल टाइम्स बी अवेयर कि हमारे पे क्या कंडीशन लगी हुई है कैसे करना है कितना काम करना है, नहीं है एक पहले दो साल पहले केस हुआ था एक पंजाब का एक स्टूडेंट था ओंटारियो का मेरे ख्याल वो शायद ट्रक चला रहा था ओवर टाइम शायद मोर देन 20 आवर्स से पकड़ा गया कुछ है ही वॉज डिपोर्टेड मीडिया वाले कहते हैं नहीं जी स्टूडेंट के पास जी गरीबी है जिनको काम करेंगे 10 घंटे काम करेंगे नहीं करेंगे तो फीस कैसे देंगे सरकार के पास यू नो I mean, the rule is the rule. I mean, can you imagine के कल को अभी मेरे को आप ये बताओ मैं आपसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बाकी दुनिया से सवाल पूछता हूँ कि जैसे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट बाहर आके पढ़ रहे हैं अमेरिका कनाडा में पढ़ रहे हैं वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स इंडिया में भी बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट आते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ जे एन यू चले जाओ पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाओ दे आर लॉट ऑफ अफ्रीकन स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन इंडिया डू यू एक्सपेक्ट दीज फॉरेन स्टूडेंट्स हु आर फॉरेन ऑन अ फॉरेन स्टूडेंट वीजा इन इंडिया नॉट टू फॉलो द लॉ I mean, how can you expect not to do the same thing as expected from you? They are also following the law. If they do something bad, you know, they will be intercepted as well. So everybody has to follow the law. Or agar aapka sapna hai ki Canada immigration leni hai, aur ye mere khayal koi bahut lamba chauda wo nahi hai, isme koi ke nahi milegi agar aap proper tarike se padhte ho, kaam karte ho, 3-4 saal baad typically close to you know as you said 90% I would say more than 99% of students all are dreaming of getting the PR or express entry mein to mere khayal hai ke more than 60% or 70% jo aate hain express entry mein wo sab students ke through hi aate hain to agar itna hi sa hamara hai ke hamare PR card mil jaye to agar 3-4 saal agar aapko proper tarike se rehna chahiye rehna to baad mein bhi chahiye agar aapko sahi rahi rehna chahiye to what's the big deal I mean please follow the rules कई लोग मेरे को पूछते हैं कि स्पेशली इंडिया से लोग पूछते हैं स्टूडेंट है जी मैं आके वहां जी कितना पैसा कमाऊंगा मैं से पूछता हूं तुम पैसा कमाने आ रहे हो कि पढ़ने आ रहे हो भाई 20 आवर्स से क्या होगा सर जी मेरा क्या होगा जी मैं पार्ट टाइम काम कर लूं अभी भी कई स्टूडेंट ऐसे यहां पर हैं अब वो देख रहे हैं इसको वो समझ रहे होंगे कौन है वो फुल टाइम काम करे जा रहे हैं 10-10 घंटे काम करे जा रहे हैं रोज ही काम करे जा रहे हैं कोई कैश कर रहा है कोई छुपके कर रहा है कुछ कोई कई लोग हैं जो कई लोग जो हैं जो टूरिस्ट वीजा पे आए हुए हैं 6-6 महीने आते हैं 6-6 महीने अपने कैश पे यू नो गैस स्टेशन पे काम करके 7-11 पे काम करके चले आए वो कहते हैं जी 6 महीने में कम से कम $5,000 कमा लिए यही बहुत है तो हमारी जो फितरत है हमारी है कि हम कानून से जरूर खेलेंगे कानून को जरूर छेड़ेंगे और फिर कहते हैं यार हम क्या करें मैंने तो यही सीखा कि इफ यू आर लीविंग द इंडिया लीव इमोशन बैक साइड एंड फॉलो द रूल्स सही बात है अगर आपको अच्छे से लाइफ गुजारनी है आप आई क्यों रहे कनाडा आपको बेटर लाइफ देखनी है तो बेटर लाइफ लोग सर काफी अच्छा लगा काफी कंफर्टेबल हो गया मैं काफी सुकून भी है क्योंकि
बीच बीच में नींद में ख्वाब आते रहते थे अब क्या होगा, क्योंकि जबकि मुझे पूरा यकीन है कनाडा पे, लेकिन एक्चुअली इतना मैनिपुलेट किया हमारे कंसल्टेंट लोगों ने, लॉयर तो फिर ठीक होते हैं, छोटे से कोर्स कर लिया जो भी कर लिया पहले बैकग्राउंड में क्या थे, और इस तरह से वो पैसों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, हमारे लिए गलत है, वो हमारे अपने ही है। अब आप ये देखें, अब आप ये देखें, चलो आखिरी बात हम लोग बात खत्म करते हैं इसको। कनाडा में कम से कम मेरे ख्याल है कि 4000 प्लस तो कंसल्टेंट हैं जो लाइसेंस कंसल्टेंट हैं जो इमिग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं करीब करीब, और लॉयर्स तो बहुत सारे होंगे, आई डोंट इवन नो हाउ टू काउंट लॉयर्स, देयर मस्ट बी 10,000 लॉयर्स, उसमें से जो फोकस करते हैं इमिग्रेशन का, उसमें से मैं समझता हूँ कि जो फुल टाइम फोकस है इमिग्रेशन का वो हार्डली मेरे ख्याल है कि 500-600 होंगे। आप मान के चलो कि टोटल क्लोज टू अबाउट 5,000 or 6,000 टोटल फुल फोकस्ड इमिग्रेशन प्रैक्टिस में लोग हैं, और आप जितने मर्जी लॉयर्स के पास चले जाओ, जितने मर्जी कंसल्ट के पास चले जाओ, हर एक की अप्रोच अलग है, हर एक का एक सिस्टम अलग है, हर एक का एक फी स्ट्रक्चर अलग है, हर एक का एक जो द व्यू पॉइंट है लीगल का। जैसे अभी हमने एचएनसी के बारे में बात करी, एचएनसी के अभी मुश्किल से आधे घंटे में ही एचएनसी के बारे में थोड़े से दो अलग अलग व्यू पता लगे कि इसका इसका अलग है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान आपको उसी तरीके से आपको वो करे कि जैसे कि मतलब टिपिकली शुड बी डन, अपना अपना एक पर्सनल बायस भी होता है कि हमें ऐसा करना है, हमारे ऐसे पहले केस हुए तो हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे। आई ऑलवेज टेल पीपल लाइक यू जो अभी कनाडा में है स्पेशली कि यू नीड टू गो टू अ लॉयर्स हु यू आर कंफर्टेबल विथ, और एटलीस्ट गो एंड जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक डॉक्टर बोलता है जी आपको कैंसर है, वो कहते हैं ठीक है जी कैंसर होगा, हम जी डबल ओपिनियन दूसरा ओपिनियन जो सेकंड ओपिनियन कहते हैं सॉरी नॉट डबल सेकंड ओपिनियन किसी दूसरे दूसरे डॉक्टर चेक कराने वाकई कैंसर है कि नहीं। कई बार ऐसा ना हो कि आपने दवाई शुरू कर दी कैंसर होना मेरे को, तो हमेशा एटलीस्ट वन और टू कंसल्टेंट्स और वन और टू लॉयर्स के पास जाके यू स्पेंड मनी और व्हाटएवर इफ दे आर डूइंग इट फॉर फ्री, उनके पास डबल ओपिनियन लो एंड देन यू फोकस ऑन कि अब करना क्या है। और तीसरा ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज कॉल द इमिग्रेशन ऑन द टोल फ्री नंबर एंड फाइंड आउट हे Is this application the right one for you? Of course, they will not give immigration advice, but at least you'll get some idea. और बाकी वेबसाइटों पे काफी सारे रिसर्च दे रखी है, सो सोच समझ के करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि जब भी किसी भी लॉयर से आप एंगेज करो, यू नीड टू हैव रिटन एग्रीमेंट और रिटन प्रूफ। हम जितने भी उससे पैसे दे रहे हैं उसका हमें एविडेंस चाहिए, जितना भी हमने कुछ बातें करी उसका एविडेंस चाहिए, और आपने एग्रीमेंट साइन किया उसका चाहिए, तब जाके मालूम पड़ता है कि हाँ ये एप्लीकेशन हम कर रहे हैं और ये होगी। अगर बाय चांस में उसमें कोई खामी निकलती है, एटलीस्ट आपके पास कोई सबूत तो है, आपके पास किसके पास अगर यू नो किससे कंप्लेन करोगे, क्या करोगे, यू डोंट हैव एनी एविडेंस अदरवाइज, ये बात है। तो अच्छा लगा जीशान, आप आराम करें, अभी रिलैक्स करें, आपको कोई ज़्यादा कोई आई डोंट सी मच प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अगर निकलती है तो ऑफकोर्स you are welcome to, I mean it's your choice, you are welcome to give me a call later on and then we'll see ki kya ho sakta hai, and till the time aap enjoy kare, lucknow mein enjoy kare. Ek baat main lucknow ke bare mein batana bhul gaya jo aapne puchhi nahi, aap maine aapse puchhi nahi, lucknow ki jo famous matlab bahut sari cheeze hain, वैसे पुरानी filmें वहां पर बनी हुई हैं, पुराने जो मुगले आजम type filmें वहीं बनती थी, और लखनऊ का famous है मलियाबादी आम, दशहरी आम। तो अभी तो शायद मौसम खत्म हो गया, पिछली इस साल आई मीन सॉरी स्टार्टिंग इन 2020 मैंने स्पेशली यहाँ से आई एम इन एडमंटन बाय द वे, सो मैंने बुकिंग कराई थी अपनी यहाँ जाने के लिए कि मैं दिल्ली जाऊँगा, और ऑफ कोर्स आई मीट लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन दिल्ली इन अदर प्लेसेस, पर मेरा एक जो हमेशा परमानेंट एक जो मकसद रहा है वो है कि आम खाने के लिए मेरे को लखनऊ जाना ही पड़ेगा, मलियाबाद के बागों में जाना ही पड़ेगा मेरे को, और जो आम लखनऊ में मिलता है वो आम दुनिया में कहीं नहीं आज तक मिला, कनाडा में तो छोड़ ही दो, इंडिया में भी दिल्ली वगैरह में पके आम मिलते हैं, जो असली जो मलियाबादी आम है जो वहाँ पर बाग में जाके मैंने तोड़ के खाया, उसकी तो एक मैं कह रहा हूँ कि दुनिया एक तरफ है वो आम एक तरफ है। वही बताना चाह रहा था, मैंने भी टोरंटो में खाया है मैक्सिकन मैंगो, और ये यहाँ पर महाराष्ट्र में भी खाया, साउथ में भी खाया, वो तो साउथ में भी खाया, इंडिया में भी खाया, वो तो दशहरी आम के नाम पे धब्बा है वो अटल्फो आम, जैसे कनाडा में होता है कि एप्पल प्लकिंग होती है, आप एप्पल को प्लक किया खुद खाने लग गए, इस तरह यहाँ आम है 20 किलोमीटर अवे है, जैसे आप दिल्ली की तरफ जाओ लखनऊ से, तो आज भी आम वहां पर आम की पेटी बनाने वाले करोड़पति हो गए, तो आम की आप क्या बात करोगे। तो मैं जब भी अपनी नानी के घर जाता हूँ, बीच में पड़ता है, तो जरूर लेता हूँ। सर जी मैंने तो कोविड के वजह से एक्चुअली वो मेरे को कैंसिल करना पड़ा, मेरी फ्लाइट भी थी फरवरी में, और मेरे काफी वो थे, मैंने एक बुक भी किए थे वहां मिलने के लिए सेशंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड करके ये सब खत्म हो गया, और फिर वो बीच में मैंने कहा शायद अब ठीक होगा, गर्मी आने लग गई, जून जुलाई आने लग गया, मैंने कहा अब तो आम पक गए होंगे वहां पर,
मैं इतना मैं फील करता था हाय मेरी किस्मत क्या, मैं कनाडा में पड़ गया, मेरे को आम आम नहीं मिल पाए वो। मैं जितना बहादुर शाह जफर वो आम को पसंद करते थे उतना मैं आम को ज्यादा पसंद करता हूँ एक्चुअली। कोई नहीं सर, मेरा हो जाए, वाहेगुरु की कृपा रही ऊपर वाले की, तो मेरा अगर हो जाता है पीआर का तो डेफिनेटली आम लेके आता हूँ। आपको उस साल तो आम की कोई दिक्कत नहीं होगी जितनी मैं आता हूँ। बाकी तो बहुत लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शुरू किया है, लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू किया है यहाँ से आम का, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, काफी कंफर्टेबल जमती नहीं है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली बात, वो जमती नहीं है। जो मजा एक्चुअली आम के बगीचे में जो आम तोड़ के खाने की बात है ना, वो पेटियों से। तो सर आप आइए, फिर आप आइए हमारे घर, रुकिए फिर हम आपको ले चलते हैं, उसकी तो आना पड़ेगा। चलिए ठीक, अदरवाइज आप वेट कीजिए, शिप में जो आएगा वो टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है शिप में। ठीक है ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। सर काफी कंफर्टेबल हूं, काफी कंफर्टेबल फील कर रहा हूं सर। जस्ट लाइक मेरे फादर, नहीं तो ऐसा लग रहा है आप फादर ने जिस तरह से समझाते हैं तो आपने वो समझाया। डेफिनेटली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आई विल कांटेक्ट यू पर्सनली। इतने पैसे लॉस कर दिए तो अब अच्छे कामों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कांटेक्ट करता हूं। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, बाय बाय।